तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश, आप देख रहे हैं फ्री में सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यूट्यूब थंबनेल के बारे में। यूट्यूब थंबनेल क्या होता है, सबसे बड़ी बात यूट्यूब थंबनेल क्या होता है। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं, अगर आप यूट्यूब पर वीडियो बना के डालते हैं या आप सोच रहे हैं ऐसा कि मैं यूट्यूब पर चैनल बनाकर वीडियो अपलोड करूँगा, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि यूट्यूब कस्टम थंबनेल, टाइटल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वीडियो हम थंबनेल के बारे में जानेंगे, थंबनेल क्या होता है। एक्चुअली अगर आप मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं तो वो थंबनेल देख के आए हैं, जो फ़ोटो लगा हुआ होता है वीडियो के ऊपर, फ़ोटो होता है एक पूरा, उस पर उसे देख के हम किसी की वीडियो वॉच करते हैं, देखते हैं। तो अभी मैं यूट्यूब पर हूँ, ये देखिए ये साइड में आपको एक स्क्रीन आ रही है, इसको देख लीजिएगा। मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर, कुछ भी सर्च कर लेता हूँ, साउथ, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ साउथ इंडियन मूवी, ठीक है। ये देखिएगा, ये साउथ इंडियन मूवी मैंने सर्च की। अब यहाँ पर देखिएगा, ये अल्लू अर्जुन की पिक्चर आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दूसरे नंबर पर जो थंबनेल है, इसमें तीन फ़ोटो लगे हुए हैं, ठीक है, इसमें तीन फ़ोटो लगे हुए हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि यूट्यूब खुद लगाएगा, नहीं, यूट्यूब नहीं लगाएगा, यूट्यूब का ये काम नहीं है कि वो थंबनेल लगाएगा। यूट्यूब का काम है वीडियो अपलोड कर दी, आपको तीन ऑप्शन देता है थंबनेल के, वो 1 2 3 उस वीडियो में से ही देता है, उस वीडियो में से तीन ऑप्शन देता है। अगर आप चाहें तो उसमें से एक सेलेक्ट करके लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, सब्सक्राइबर, व्यूज़ और जो आपके व्यूवर्स हैं वो तभी आपको देखने आएंगे जब थंबनेल अच्छा होगा, वो आपको अपनी तरफ खींचेगा। तो थंबनेल, यही थंबनेल होता है। अब जैसे कि यहाँ पर और देख लीजिएगा, ये है नीचे आ रहा है, ये 55 मिलियन व्यूज क्रॉस, ये बहुत सारे थंबनेल ही आ रहे हैं, ये सब थंबनेल हैं। इसमें टेक्स्ट ऐड है, जैसे कि लिख रहा है सबसे बढ़कर, ऐसी कुछ आगे लिखा हुआ सबसे बढ़कर हम। ये थंबनेल सारे कस्टम तरीके से बनाए जाते हैं, डिज़ाइन करे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम जो डिज़ाइन करेंगे वो यही करेंगे। इस वीडियो का मकसद यह है, अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं, अपनी वीडियो बनाते हैं, अपनी मूवी, शॉर्ट मूवी बनाते हैं, गाने बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसके लिए कस्टम थंबनेल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आज हम वही बनाने वाले हैं। तो चलिए इसको डिज़ाइन करते हैं, सीख लेते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज हम सीखने वाले हैं कस्टम थंबनेल कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या साइज़ उसका होता है। यूट्यूब के गानों के लिए, वीडियो के लिए, प्रैंक वीडियो के लिए, किसी प्रकार की वीडियो के लिए भी आप कैसे अपना थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं, आज की इस वीडियो हम यही बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी यहाँ पर फ़ोटोशॉप पर। मैं यहाँ पर फ़ोटोशॉप CS3 का इस्तेमाल करूँगा, आप चाहें तो कोई सी भी फ़ोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिखा दूँ थंबनेल आपको, जो कि मैंने आपको बताया था वैसे कि उसमें, लेकिन दिखा देता हूँ मैं एक ये थंबनेल। मैंने देखिए इसमें क्या दर्शाया है, मैंने अपने दर्शकों को, जो मेरे व्यूवर हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, मैंने उसको उनको क्या दिखाया। थंबनेल का मतलब बस यही होता है कि थंबनेल में आप वो दिखाते हैं जो आपने पूरी वीडियो में किया है, ठीक है, बस उसी को देख के आपका व्यूवर आपकी तरफ आता है, ठीक है। व्यूवर या कोई भी नया बंदा, नया पर्सन आपकी वीडियो को देखने के लिए आता है, ठीक है, वो बहुत ही ज़रूरी होता है यूट्यूब के लिए। तो ये आपको ज़रूर बनाना आना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे थंबनेल डिज़ाइन के बारे में। देखिए ये मैंने डिज़ाइन किया, इसमें लिखा है हाउ टू डिज़ाइन वेडिंग एल्बम, मैंने इसमें लिखा है हाउ टू डिज़ाइन वेडिंग एल्बम। जब इसको व्यूवर या सब्सक्राइबर या फिर कोई भी नया पर्सन इसको पढ़ेगा, बोले इस बंदे ने इसको, इसमें ये सब जो इसमें फ़ोटो दिखा रहे हैं, इसने इसमें ये डिज़ाइन करके दिखाए हैं, मुझे बना के दिखाए हैं, तो हम मैं इस वीडियो को देखूँगा, यानी कि ये अट्रैक्ट करता है आपके व्यूअर और आपके सब्सक्राइबर को अपनी तरफ, आपकी तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका साइज की बात कर लेते हैं। चलिए मैं इसको खोल ही लेता हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। और यूट्यूब की एक शर्त भी होती है कि ये जो थंबनेल होता है, ये बस इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, 2 MB से नीचे का होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 MB का होना चाहिए। इससे ऊपर जाएगा तो यूट्यूब इसको अपलोड नहीं करेगा, मना कर देगा। तो यहाँ से चल जाते हैं न्यू में, फाइल, न्यू, यहाँ पर ये जो इंचेस है इसको पिक्सल्स कर लेते हैं, वाइट, RGB कलर, रेजोल्यूशन, बस सबसे बड़ी बात रेजोल्यूशन यहाँ पर आपको 72 रखनी है, क्योंकि हमें इतने MB का फ़ोटो नहीं चाहिए जो कि YouTube पे अपलोड ही ना हो। 2 MB का होना चाहिए, बस 2 MB से नीचे का होना चाहिए। तो ये बहुत आसानी से बहुत ही सही पिक्सल्स में मिल जाता है, 72 रेजोल्यूशन पे आप इसको बनाएंगे। नीचे लिखेंगे यहाँ पर 720, ठीक है, ऊपर लिखेंगे यहाँ पर 1080, ठीक है, सॉरी 1080 नहीं, यहाँ पर 1200 लिखना, 1280, ठीक है। और अब इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद एक साइज़ आपके पास आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं इसका साइज़, जो हमने बनाया था इसका साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, Alt II से
82720, ठीक है, और 72 रेजोल्यूशन, ठीक है, ये साइज़ का है और हमने भी वही साइज़ लिया है। अब यहाँ पर एक थंबनेल हमारे पास है बट इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ये प्लेन है। सबसे पहले हम इसके अंदर कोई बैकग्राउंड ऐड करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए सीधा सीधा है, कंट्रोल यू करके आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल यू करेंगे तो यहाँ से इस कलर साइज पे क्लिक करके सबसे नीचे वाले को लाइटनेस को इधर कीजिएगा, बीच वाले को लास्ट में फुल कर दीजिएगा और हुए को आप यहाँ से कलर इनक्रीज़ कर सकते हैं जो आपको चाहिए, ठीक है, जो भी आपको चाहिए। मुझे कोई कलर नहीं चाहिए, मैं आपको बस डेमो के तौर पर बता रहा हूँ, तो मैं इसको ब्लैक कर लूँगा। अब सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपको क्या टेक्स्ट ऐड करना है, क्या इमेज लगानी है, वो आपके वीडियो के ऊपर डिपेंड करता है आप किस बारे में वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करूँगा। देखिए मैंने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर लिया, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। उसके बाद यहाँ पर एक लेफ्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए लेफ्ट क्लिक किया तो ये अब टेक्स्ट के लिए तैयार है। मैं यहाँ पर लिखूँगा YouTube थंबनेल TH UMBNAIL, ठीक है, YouTube थंबनेल साइज SIZE साइज क्या होता है। अब हम एक एंटर मार देंगे, इसे नीचे लाने बीच वाला एंटर मारेंगे, नीचे आ जाएगा उससे। साइड वाला राइट हैंड वाला नहीं मानना, हम लोग वाला नहीं मानना, बीच में जो एंटर होता है उसको मानना एंटर। अभी नीचे आ गया, अब यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल साइज क्या होता है, ओके 3.123, ठीक है। अब इसको यहाँ पर क्लिक करके आप अगर चाहें तो इसको इसको नीचे करके इसको बीच में भी ला सकते हैं स्पेस दबा करके, ठीक है। आपने यहाँ पर ये ऐड कर लिया, लिख लिया, अब सिंपल हम इसको यहीं पर रख देंगे। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, आप अपनी वीडियो के अनुसार जो आपने उस अपनी वीडियो में सिखा रहे हैं उसके जरिए लिखेंगे। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको बस एक थंबनेल कैसे डिज़ाइन करते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये टेक्स्ट ऐड कर दिया, यूट्यूब थंबनेल साइज क्या होता है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब हम इसमें एक और टेक्स्ट ऐड करेंगे, यहाँ पर एक T2 दबा करके फिर से हम ये एक क्लिक और करेंगे, YouTube थंबनेल साइज क्या होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम YouTube थंबनेल TH UMBNAIL, YouTube थंबनेल कैसे बनाते हैं, BANA बनाते हैं, ठीक है, 3 डॉट। अब देखिए यहाँ पर YouTube थंबनेल कैसे बनाते हैं, यहाँ पर ला करके एक बीच वाला फिर सेंटर मार देंगे तो सेंटर आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर दो चीज़ें ऐड कर ली, दो टेक्स्ट ऐड कर लिए, YouTube थंबनेल कैसे बनाते हैं, YouTube थंबनेल साइज क्या होता है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यहाँ से ये इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसके बराबर, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से इसको बड़ा कर लेंगे, YouTube थंबनेल कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो इसमें कोई बैकग्राउंड डाल सकते हैं, जैसे कि कोई YouTube की बैकग्राउंड हो या किसी भी प्रकार की आप बैकग्राउंड डालना चाहते हैं, आप जिस पर अपनी वीडियो बना रहे हैं उस प्रकार की आप बैकग्राउंड डालने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहेगा। या फिर आप जैसे कि चाहते हैं आप किसी भी फ़ोटो को लेकर के बैकग्राउंड बना सकते हैं, जैसे मैं इसको अगर लेकर आऊँ यहाँ पर बैकग्राउंड चाहिए मेरे को तो मैं यहाँ पर इसको ला करके Ctrl+A, Ctrl+C, ठीक है, और बैकग्राउंड सेलेक्ट करके यहाँ से इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद देखिए आप अगर इसको ये ब्लर कर दें, यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको ब्लर कर देता हूँ, ब्लर, और मैं देखिए यहाँ पर इसको इतना ब्लर करूँगा ताकि कुछ अच्छा भी लगे, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा यहाँ से, और सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके लेयर स्टाइल पे आ जाएंगे, यहाँ से आप लेयर्स पे अपनी स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा मैं यहाँ पर अदर ग्लो पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन की जगह मैं नॉर्मल कर लेता हूँ, यहाँ से कलर ब्लैक कर लेता हूँ, आप जो भी कलर चाहें वो रख सकते हैं। मैं इसको यहाँ से साइज़ को इनक्रीज़ करूँगा, थोड़ा इसको भी इनक्रीज़ करूँगा, स्ट्रोक पर क्लिक करके यहाँ से भी ब्लैक स्ट्रोक लगा देंगे, ओके ओके हो गया। अब इस पर भी थोड़ा सा हम यही सब करेंगे, यही लगा देते हैं, और
नॉर्मल ब्लैक, ठीक है। चाहे तो कोई और कलर भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लैक अच्छा लग रहा है तो मैं ब्लैक लगा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रोक हम इस पर भी लगाएंगे ब्लैक वाला। ओके ओके, ठीक है। यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाते हैं, यूट्यूब थंबनेल साइज क्या होता है, ठीक है। अब हम इसमें क्या है, अगर मैं चाहूँ इसमें तो और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि कोई यूट्यूब का आइकन हो। यहाँ पर मैं समझाने के लिए यूट्यूब का आइकन साथ मेरे पास कहीं ना कहीं होगा, मैं देखता हूँ, क्योंकि उससे क्या है, मैं YouTube के बारे में बता रहा हूँ तो जो भी व्यूवर जो भी सब्सक्राइबर आएगा तो वो समझ जाएगा कि ये YouTube के बारे में बंदा कुछ बताना चाह रहा है, तो इसीलिए वो भी ज़रूरी होता है, ठीक है। आप अपनी वीडियो अनुसार ही सब कुछ रखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी रख लें, जो जिस टॉपिक पर आपने वीडियो बनाई है उस टॉपिक को लेकर उस थंबनेल में आप डिज़ाइन करेंगे बनाएंगे, ठीक है। अब मैंने YouTube को लेकर बनाई है तो मैं YouTube के ऊपर लगा रहा हूँ सबको, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे मैं यहाँ से इसको, ये जो YouTube है, मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ, दो लेयर हैं, दो लेयर को उठाता हूँ, ये एक तो ये और एक इसको लेकर आते हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर YouTube हम लगा देते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। अब आप जो आपकी लेयर वन है उसकी डुप्लीकेट बनाकर एक फाइल उसको वाइट कर लीजिएगा, यहाँ से वाइट करके उसको कंट्रोल टी के जरिए। देखिए मैंने कैसे कैसे किया बता दूँ, बहुत से लोग बोलते हैं जल्दी करते हो। ये राइट क्लिक करके लेयर वन सेलेक्ट करी, कंट्रोल जे किया उसके ऊपर, दो लेयर हो गई, लेयर वन कॉपी, इसको सेलेक्ट करा, कंट्रोल यू करा, कंट्रोल यू, और इधर नीचे वाली लाइटनेस को फुल कर दिया प्लस में, और अब इसको कंट्रोल टी करके छोटा कर लेना है यहाँ से, ठीक है। YouTube पर लेकर आना है यहाँ पे, सॉरी इसको इसको छोटा करना है, ये थोड़ा माउस परेशान कर रहा है, इसको इधर खींचेंगे, इसको थोड़ा चौड़ा करेंगे और इसके पास यहाँ पे लगा देंगे थोड़ा बड़ा। ये मैं खाली इसलिए लगा रहा हूँ ताकि अच्छा सा लगे बस YouTube आइकन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। अब बात आती है, अगर आपको ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा तो आप किसी का भी फ़ोटो डाल सकते हैं, कुछ भी जो आप, मैं तो यही बोलूँगा आपसे, जो आप गाने में शूट कर रहे हैं, वीडियो में शूट कर रहे हैं, जो भी शूट कर रहे हैं उन्हीं का जो फ़ोटो दिखाएं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बस बताया है कि YouTube थंबनेल कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो देखिएगा, थंबनेल उनके तैयार हो गया, मैंने तो बस ऐसे बना के दिखाया आपको डेमो के तौर पर, आप अपना अच्छे से डिज़ाइन कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। आती है इसको बात सब सेव करने की, तो कोई भी सेव कर सकता है, कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस करके जो लोकेशन आपकी वहाँ पहुँच जाइएगा। मैं इसको फ़िलहाल डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं उसके फाइल का नाम दे दूँगा, जैसे कि टेस्ट थंबनेल THUMBNAIL, ठीक है, सेव, ओके। और एक इसकी JPG फाइल बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे, यहाँ से ओल्ड कंट्रोल एस, ठीक है, टेप दबा कर लेंगे, यहाँ से JPG सेलेक्ट कर लेंगे, जो फाइल हम अपलोड करेंगे YouTube पर वो बनानी ज़रूरी है, तो ये ओके, ये ओके, ठीक है। इसको क्लोज कर देंगे सबको, हमने सेव कर लिया फाइल। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से डेस्कटॉप पर जा कर के देखिए कहाँ गई हमारी फ़ाइल जो हमने सेव की थी, आएगी एक हमने PhD फाइल एक बनी है हमारी, ठीक है। PhD से क्या होता है, हम उसमें कुछ भी फिर से एडिट कर सकते हैं, उसको बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये टेस्ट रहा है ना, टेस्ट हम लिए PhD, देखिए लिख रहा है PhD, और ये JPG, ये प्रीव्यू हो जाएगी, इसको प्रीव्यू करेंगे यहाँ से। तो ये हमने बनाया था, देखिए अभी दिखेगा, ये हमने डिज़ाइन किया है, ठीक है। और इसकी कोई साइज़ भी कोई बड़ा नहीं है, देखिए यहाँ से ये देखिए बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई भी चीज़ फट नहीं रही है, पिक्सल्स फट नहीं रहे हैं, और इसका साइज़ भी मात्र यहाँ से 384 KB का है, कोई ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है, ठीक है। तो फाइनली आज हमने सीख लिया कि थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।